हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आदि सिंह। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना यूट्यूब और बिना वेबसाइट का आप कैसे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऑफलाइन अर्निंग करने के लिए तो आपके पास जो है सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग में जो है सो हम आपको दो ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप नॉर्मली जो है सो ऑनलाइन अर्निंग अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड हम वीडियोज डालते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग रियली में करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाद में आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम आपको बताए हैं कि ऑफलाइन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब ऑनलाइन में आते हैं और कहीं पे भी आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे या वेबसाइट पे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो नंबर दो चीज पे जो आता है, पहला आता है यूट्यूब और दूसरा आता है ब्लॉगिंग यानी कि वेबसाइट। और बहुत ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे सक्सेस नहीं है, यूट्यूब चैनल है लेकिन सक्सेस नहीं है। अब यूट्यूब चैनल तो कोई भी बनाने का बना लेगा, वेबसाइट भी कोई बनाने को बना लेगा, लेकिन मेन जो जरिया होता है अर्निंग करने का वो नहीं मिल पाता है उनके पास। बहुत ऐसे लोग हैं जो डेली मैसेज करते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, वो यूट्यूब मेरे से नहीं होगा, और होगा भी तो उस पर ट्राई कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, और वेबसाइट बना ली है पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या वेबसाइट जो है सो रैंक नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ऑनलाइन अर्निंग करना है। अब यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं फालतू के चीज़ों में, जैसे कि रेफर एंड अर्न करने में, कोई एप्लीकेशन पे काम करने में, तो ये सब पे जो है सो टाइम वेस्ट है, आप अच्छे से पैसे नहीं कमा पाओगे। 10-50-100 रुपये से आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें हजारों रुपए लाखों रुपए आप अर्निंग कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। हम आपको यहाँ पे दो तरीके बताने वाले हैं और ये दोनों तरीके बहुत ही अच्छे तरीके हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स यूज करते हैं और वही हमें बताएं कि भाई इस पे वीडियो बनाओ तो बहुत लोगों को हेल्प होगा, तो इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए जो है सो बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला तरीका वो है स्पॉन्सरशिप। अब आप बोलिए कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप देगा कौन, यानी कि आपके पास तो यूट्यूब चैनल भी नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है, जैसे कि हम आपको बताए हैं। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स लोग भी है, वो लोग क्या करते हैं कि किसी और का चैनल का नेम देकर किसी से स्पॉन्सरशिप लेते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे स्पॉन्सरशिप आपको मिलता है, जैसे कि फैमबिट कंपनी हो गया जो यूट्यूब का ही है, और बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट वाले भी हैं जो स्पॉन्सरशिप देते हैं। अब अमेज़न के अकाउंट पर चले जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट सेल करता है उसका ईमेल आईडी वहाँ पे होता है। अब आप उनको डायरेक्ट ईमेल से द्वारा जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज हम बात कर रही है स्पॉन्सरशिप वाले मैटर को, हम आपको समझाते हैं करना इसमें क्या है। आपको करना ये है कि फेमबिट वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पे लॉगिन कर लेना है, और वहाँ पे बहुत सारे कंपनी होते हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पे आपको अपील करना होता है, और अपील करने के बाद वो वहाँ पे आप जो है सो बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप का। और उसके बाद जैसे ही आप उसका उनका स्पॉन्सरशिप आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको पैसे वो दे देते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको फेमबिट कंपनी और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाकर आपको दूसरे का चैनल को लिंक देकर वहाँ पर आपको जो है सो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है। मान लीजिए कि मेरा YouTube चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गया हुआ है, ठीक है, और आपके चैनल पे नहीं हुआ है, तो आप मेरे चैनल का लिंक देकर आप स्पॉन्सरशिप किसी और कंपनी से ले लोगे। 10,000 में मान लीजिए आप किसी अदर कंपनी से जो है स्पॉन्सरशिप ले लिए, अब आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे और बोलोगे कि भाई एक स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप कर लो, हम 5,000 रुपये तुम्हें हम देंगे। तो ऐसे करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका यूट्यूब चैनल तो है लेकिन उन पर सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे चैनल का लिंक दे देते हैं स्पॉन्सरशिप अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के वक्त और जब उनका स्पॉन्सरशिप मिलता है तो वो डील कर लेते हैं कंपनी के साथ कि हाँ 10,000 में ये स्पॉन्सरशिप डील हो गया, हम इस चैनल पे आपका स्पॉन्सरशिप का वीडियो अपलोड करवा देंगे। अब वो दूसरे चैनल पर जिसका लिंक दिए हैं उससे कॉन्टैक्ट करके उस पर वो वीडियो अपलोड करवा देते हैं और उनको थोड़ा पैसा दे देते हैं और कुछ कमीशन अपने रख लेते हैं। तो ऐसे करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि लाखों रुपये महीना जो है इसी चीज़ से कमा लेते हैं। अब वो क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, और आपको क्या करना है कि आपको बड़े बड़े यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करना है। ज़्यादा बड़े वाले तो रिप्लाई करेंगे नहीं,
जितने 50,000 हो गया, 10,000 सब्सक्राइबर हो गया, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, ये सबको आपको मेल करना है स्पॉन्सरशिप के लिए, और आपको उनका चैनल का लिंक देकर स्पॉन्सरशिप कहीं से लेना होगा। तो ऐसे करके आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि प्ले स्टोर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं। अब वो सारे एप्लीकेशन वाले पता है आपको लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं वो एडवर्टाइजिंग में। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन वाले जो हैं सो 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए ऐसे खर्च करते हैं स्पॉन्सरशिप पे। वो लोग जो है सो जो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा मुझे यूजर बढ़े उतना ज़्यादा उनको जो है सो फायदा होता है। तो आपको करना है क्या है कि आपको प्ले स्टोर में जो रैंडम एप्लीकेशन होते हैं, जो बहुत जल्दी एप्लीकेशन ग्रो होने होते हैं और जिनका एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे आप देखते हैं, वो सब एप्लीकेशन के डेवलपर से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वहाँ पर ईमेल होता है, ईमेल कीजिए उनको कि हम आपका जो एप्लीकेशन है इतना डाउनलोड दे सकते हैं, इतना यूजर दे सकते हैं, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम इतना फॉलोवर्स है, ये सब करके जो है सो आप उनसे जो है सो प्रमोटिंग के लिए ले सकते हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छा तरीका है, इसमें से अगर आप कोई भी यूज करते हैं तो अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। तो गाइस पहला जो हम आपको बताएं वो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप दोनों को ट्राई जरूर कीजिएगा, अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी मेरे पास आइडियाज आएंगे, जितने मेरे फ्रेंड्स लोग काम करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, वो सारे रिलेटेड वीडियो जो है तो हम आपको यहाँ पे आपको बताएंगे, तो जिससे आपको बहुत हेल्प हो और आप भी अर्निंग कर पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।